गुड मॉर्निंग ट्रेनीज, हमारा आज का टॉपिक है वस्त्र का आधारभूत विश्लेषण अर्थात बेसिक गारमेंट एनालिसिस। किसी भी वस्त्र को समझने के लिए वस्त्र के विभिन्न हिस्सों के नाम अवश्य ज्ञात होने चाहिए। ये हम आज आपको चित्र के माध्यम से समझाएंगे। ये देखिए, ये जो सामने रूपरेखा है इसमें हमने एक ए लाइन सूट की रूपरेखा बनाई है। इस रूपरेखा में हम देख रहे हैं कि इसमें बहुत सारे हिस्से हैं, जैसे ये, यहाँ, यहाँ। आमतौर पर जब हम पहनते हैं तो हमें इनका नाम लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन जब हम सिलाई करते हैं तो हमें इसके विभिन्न हिस्सों के नाम ज्ञात होने चाहिए। सभी ऊपर के गारमेंट का एक ही रूपरेखा होती है। बेसिक स्ट्रक्चर सभी गारमेंट्स का वही होता है, जैसे शोल्डर लाइन। ये शोल्डर लाइन है और ये हमारे गारमेंट का तीरा है, ठीक है। इसे हम इंग्लिश में शोल्डर लिखते हैं तो हिंदी में हम इसे तीरा कहते हैं। इसके बाद आती है चेस्ट लाइन। इस लाइन को जेंट्स में चेस्ट लाइन कहा जाता है और लेडीज़ में बस्ट लाइन। ये हमारी आर्मोल से नीचे, ये हमारी छाती को डिसाइड करती है, इसलिए इसे हम चेस्ट लाइन या बस्ट लाइन कहा जाता है। इसके बाद है हमारी वेस्ट लाइन। वेस्ट लाइन हमारी दो तरह की होती हैं। एक होती है वेस्ट लाइन हमारी नेचुरल। नेचुरल वेस्ट का अर्थ है जहाँ पर हमारा नेवल पॉइंट आता है। नेवल पॉइंट वाली लाइन को हम नेचुरल वेस्ट कहा जाता है। लेडीज़ गारमेंट में जो ऊपर वाली वेस्ट है ये हमारे ब्लाउज़ की वेस्ट होती है। बहुत से फ्रॉक, सूट और ब्लाउज़ ये ज़्यादातर इसी कमर के लेवल तक बनाए जाते हैं। और लेडीज़ में ब्लाउज़ की कमर से लेकर और नेचुरल वेस्ट तक ज़्यादातर लोगों में ये लाइन नाप बराबर ही रहता है, लेकिन मोटा होने के बाद ये नाप कम ज़्यादा हो सकता है। इसके बाद आती है हमारी हिप को छूने वाली हिप लाइन। हिप को छूने वाली हिप लाइन यानी कि ये लाइन हमारी हिप के नाप को डिसाइड करती है। इसके बाद है हमारी बॉटम लाइन। बॉटम लाइन को हम हेम लाइन भी कहते हैं, क्योंकि ज़्यादातर इसे मोड़कर हम तुरपाई से फिनिश करते हैं, हेमिंग से फिनिश करते हैं, इसलिए हम इसे कई बार हेम लाइन भी कह देते हैं। इसके बाद हमारी ये सेंटर लाइन है। सेंटर लाइन जब ये फ्रंट में होती है तो इसे सेंटर फ्रंट लाइन कहा जाता है। ड्राफ्टिंग में इसे हम CFL, इसकी शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं, सेंटर फ्रंट लाइन। जब ये लाइन बैक में होती है तो हम इसे लिखते हैं CBL, यानी कि सेंटर बैक लाइन। इसके अलावा हमारे गारमेंट में सबसे ऊपर होता है ये गला। ये पीछे का गला है, हमने छोटे से दिखाया है, ये आगे का गला है जो हमने बड़े से दिखाया है। तो इसको हम इंग्लिश में नेक लाइन और हिंदी में गला कहते हैं। इसके बाद आता है ये हमारा आगे का मुड्ढा है और ये हमारा पीछे का। इसे हम हिंदी में मुड्ढा, साई और आर्मोल तीन नामों से जानते हैं। तो ये हमारे ऊपर के गारमेंट का एनालिसिस हुआ, ऊपर के गारमेंट की रूपरेखा। लोअर गारमेंट की रूपरेखा ऊपर के गारमेंट से अलग होती है। तो अब मैं आपको बताऊंगी लोअर गारमेंट एनालिसिस। ये मैंने एक पैंट का स्ट्रक्चर तैयार किया है। पैंट में हमारे
सबसे ऊपर हम बेल्ट बांधते हैं, तो ये हमारी कहाँ बनती है, ये बनती है हमारी वेस्ट लाइन पे, कमर पे, तो हम इसे वेस्ट लाइन से जानते हैं। जो हिस्सा हमारा हिप पर आता है उसे हम हिप लाइन के नाम से जानते हैं। इसके बाद आती है ये क्रोच लाइन या क्रोच लेवल। ये देखिए, इसको हम क्रोच, ये मेजरमेंट यहाँ से यहाँ तक, इसे हम कहते हैं क्रोच डेप्थ, अर्थात क्रोच की गहराई, इसीलिए हम इसे क्रोच लेवल के नाम से जानते हैं। ये हमारे बिल्कुल हिप से नीचे थाई के ऊपर ये जगह आती है। इसके बाद होती है थाई लाइन। जब हम जीन्स का नाप लेते हैं, फिटेड गारमेंट का नाम लेते हैं, तो हम यहाँ पे ये थाई लाइन लेते हैं, यानी कि जांघ की मोटाई। इसके बाद आता है नी लेवल। नी यानी कि घुटना, जहाँ पे हमारा घुटना आता है उसे हम घुटने की लाइन के तौर पे जानते हैं। काफ लाइन, काफ यानी कि पिंडलियाँ, पिंडली की लाइन को हम काफ लाइन कहते हैं, जहाँ पे हमारे घुटने से नीचे सबसे मोटाई वाला हिस्सा होता है पैर में, उसे हम काफ लाइन के नाम से जानते हैं। ये है हमारा बॉटम लाइन या हेम लाइन। यहाँ पर हम पैंट को मोड़कर तुरपाई से फिनिश कर देते हैं। इसके अलावा ये गोलाई, जहाँ पर हमारी जिप लगती है, आगे से लेके पीछे की तरफ ऐसे जाने वाली ये सिलाई, ये हमारी क्रोच के नाम से जानी जाती है। ये अंदर की टांग की तरफ आने वाली हमारी सिलाई, ये सीम लाइन है पैंट की, इसको हम इनसाइड लेग के नाम से जानते हैं, अंदरूनी पैर की लंबाई। और ये लाइन हमारे पैंट में बाहर की तरफ आती है, इसे हम आउटसाइड लेग कहते हैं। आउटसाइड लेग मेजरमेंट भी हो सकता है। जब हमें क्रोच लेवल निकालना होता है तो हम आउटसाइड लेग का पूरा मेजरमेंट लेते हैं, इनसाइड लेग का पूरा मेजरमेंट लेते हैं, और आउटसाइड लेग में से इनसाइड लेग माइनस करके हम इस क्रोच लेवल को पता कर लेते हैं। तो आउटसाइड लेग और ये इनसाइड लेग। इस पैंट के सेंटर में खींची हुई ये लाइन, ये बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है। ये आपने पैंट में क्रीज के रूप में देखी होगी, तो इसे क्रीज लाइन कहा जाता है। लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि सभी नाप इसी लाइन के आधार पर लिए जाते हैं। हम ये क्रीज लाइन मार्क करते हैं और बॉटम, काफ, नी, क्रोच लेवल, सब कुछ हम इस क्रीज लाइन के अकॉर्डिंग ही सेट करते हैं, तभी हमारी ये क्रीज लाइन सेंटर में आती है सिलाई के बाद। तो इस प्रकार हमने आपको लोअर गारमेंट का एनालिसिस समझाया, जिसमें हमने आपको वेस्ट लाइन, हिप लाइन, क्रोच लेवल, थाई लाइन, नी लाइन, काफ लाइन, बॉटम लाइन के बारे में बताया। इसके अलावा हमने आपको क्रोच, इनसाइड लेग, आउटसाइड लेग और क्रीज लाइन के बारे में बताया। थैंक यू।